हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो आज हम लोग खेत जा रहे हैं, देखते हैं खेत की क्या कंडीशन है। दोस्तों, हम खेत पहुंचने को है, बीच टाणे में पहुंचे हुए हैं और बारिश हो के अभी पूरा सारी रास्ता को ख़राब कर दिया। जहां तक गड्ढे में पानी होनी जम गया है, बहुत दिक्कत से आए हुए हैं। और फिर आगे देखते हैं कि खेत तरफ की क्या हालचाल है। तो फिर ब्लॉग में बने रहो कंटिन्यू, आगे अपना खेत को दिखाते हैं आ रहा है। और इधर से एक ट्रेन पास हुआ है, जो कि ट्रेन आएगा तब दिखेगा। पर ये देखिए दोस्तों, ट्रेन पार हो रही है और ये पार हो गई। दोस्तों, अभी हम खेत पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो जो पहले धान रोपाई किया उनका जल्दी जल्दी फूट गया, बाकी धान ऐसे है। बगल में फूट गया है तो बगल में नहीं फूटा है, डिपेंड करता है कि धान किस क्वालिटी का है और किस प्रकार से आगे पीछे रोपाई भी हुआ उस तरह से। और ये देखो गाइस, खेत तरफ की आर किस प्रकार से है, ऐसे नहीं निकल जाते हैं आगे। और ये देखो छोटे छोटे हैं, काफी सिनवार का पौधा एयर में है लगा हुआ। ये देखो गाइस, उस खेत से पानी आ रहा है मेरे खेत में। दोस्तों, इस बार बारिश जो है सो नहीं के बराबर हो रहा था जिस समय धान रोपाई हो रहा था, तो हम लोग काफी पीछे रोपे हैं इस खेत को, इसीलिए अभी तक ये पौधा बड़ा हो नहीं सका है। और इधर का भी वैसा ही स्थिति है, बाकी जो पहले खेत मिला था उसमें बगल में एक डोब था ना, वही डोब से पानी फटा के उसमें धान रोपाई हुआ था, इसीलिए वो खेत में जल्दी धान फूट गया है। और इधर का से यार फूट गया, टूट गया, पता ना कब भरक जाएगा। तो चलते हैं संभल के। और देखिए दोस्तों, इधर मेरे खेत तरफ एक पौधा है, बड़ा सा पेड़ है जलेबी का। हम लोग यही पेड़ के नीचे जो है सो टिफिन करते हैं खेती करते समय। बाकी खेत भी उसी तरह से है दोस्तों। ये 3-4 दिन से इस तरह से बारिश लगा दिया है कि लगातार कंटिन्यू बारिश हो ही रहा, केवल आज थोड़ा सा फर्क किया है। और इसी बहाने हम लोग भी आ गए खेत तरफ कि चलो देख लेते हैं खेत का कंडीशन किस तरह से है। तो बाकी खेत भी उसी तरह से है जिस तरह से मेरा खेत है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे किस प्रकार से पार हो जाया जाए, चलो बाबू पहले तू पार हो जा, फिर अपन पार होगा। तो दोस्तों, पहले इनको पार करा देते हैं ताकि रास्ता अपन को मिल जाएगा, तो हम भी इसके पीछे पीछे चल जाएंगे। अरे बाप रे, धान में किस प्रकार से ये कीड़ा लग गया है। तो फिर चलते हैं, ये पार हो गई है तो हम भी इनके पीछे पीछे पार हो जाते हैं। पार हो गई है। अभी किस तरह से खेत में पानी लबा लब टनाटन भर गया है पूछो मत, पानी को पूरा ये हो गया है पूरा, जिस समय इंसान को चाहिए उस समय तरसाता है ऊपर गॉड। और अभी जब जैसे देखो, अभी बारिश छोड़ ही नहीं रहा, पूरा पानी को जो निकालना पड़ रहा है खेत से, ऐसा कंडीशन हो गया है यार। तार सब तोड़ फोड़ के पानी जो है सो चल रहा है। देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे यार भरक गया है। अब फिर से जब खेती होगा इसमें थोड़ा बहुत रिपेयर किया गया है, देख लीजिए। ये देखो गाइस, थोड़ा बहुत इसमें रिपेयर करा गया है ताकि और धसने से बच जाए। तो फिर हम चलते हैं आगे और फिर देखते हैं आगे का कंडीश्न। ये देखो दोस्तों, ये श्याम पेड़ के नीचे हम लोग टिफिन करते हैं। जब इधर का खेत की रफाई करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे एक पास में कुआं है, पर एक कुएं के पास में आम का पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे हम लोग टिफिन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये कुआं भी किस तरह से पानी से भर गया होगा। उस समय तो हम लोग मशीन चला चला के और खेत में पानी डालते हैं, लेकिन अब देखो दोस्तों
किस प्रकार से पानी कुआं में भी लबालब भर गया है, ये देखो दोस्तों। इधर देखो दोस्तों, यहाँ पे खेत कितना नीचे है लेकिन कुआं में पानी देखो कितना ऊपर है। ये तो फर्स्ट मार रही है, आगे निकल जा रही है, हम पिछवा जा रहे हैं। हमको भी तेज गति से चलना पड़ेगा, तो हम चलते हैं तेज गति से। इधर का भी खेत का कंडीशन इसी प्रकार से है कि उस समय पानी का किल्लत हो गया था, तो सारा खेत पीछे पीछे रोपाया, जिस वजह से अभी भी पौधा जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, छोटे छोटे हैं। और अभी इधर देखो दोस्तों, पूरा धान के खेत में पूरा घास हो गया है, जो कि अभी हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं, तो हो सकता है इसको निकालना भी पड़ेगा, तब जाके ये होगा, तो फिर देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों, अपन अपना खेत पहुँच गया है, तो मेरा खेत का कंडीशन इज वेरी बैड। अरे पान खेत फूट गया है यार, फूट गया है, पानी निकल रहा है इस पार से उस पार, तो चेक करना पड़ेगा अपने को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, यहाँ भी वही कंडीशन है। अरे भाई, तो पूरे पूरे यार जो है मेरा ख़त्म हो चुका है, पता नहीं कब भर जाए। तो दोस्तों ये है मेरा खेत, अभी भी मेरा खेत का कंडीशन इज वेरी बैड। अब देखना पड़ेगा कहाँ पे लीकेज कर रहा है मेरा यार, तो देखते हैं। अब खेत में डूबना पड़ेगा दोस्तों, तो देख ये देखो इधर काम कर रहा लग रहा है। हाँ ये वो मिला यहाँ पे, ये देखो गाइस पानी जा रहा है, मतलब यहीं पे लीकेज है, तो अब यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार खेत का रिपेयर कर रही है, और हम भी कोशिश में लगे हैं, लेकिन मेरा कोशिश असफल रहेगा क्योंकि मेरे को आता नहीं है। हाँ तोड़ देने हो गए लो, हाँ काम किया है दोस्तों, यहाँ पे बंद हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे है, बारिश का मौसम बना रहा है दोस्तों, पता नहीं कब बारिश आ जाएगा, तो हम लोग देखते हैं। संभाल के रखना पड़ेगा फोन, नहीं तो बारिश से भींग भी सकता है, फोन को संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो फोन भी भींग सकता है दोस्तों। इस शनिवार से कैसे पास हो जाए, हाय गॉड, देखते हैं बढ़िया से पैर रखना पड़ेगा। हाय गॉड, धान में कितना घास हो गया है, इस बार धान जो है सो जिस प्रकार से होना चाहिए शायद लग रहा है, मेरे ख्याल से वैसे उस क्वालिटी में नहीं होगा। और धान को देखिए दोस्तों निकाल रही है, क्योंकि मेरे खेत में काफ़ी ज़्यादा घास हो गया है, तो निकालना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ दोस्तों हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम ऐसे ही ब्लॉग आप लोग के बीच लाते रहेंगे, नेचुरल ब्लॉग। सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में आना होगा दोस्तों, और धान की सफाई यानी कि घास को निकालना होगा, तब जाके मेरा घास की सफाई हो सकता है। तो अब तो नेक्स्ट दिन देखते हैं। अभी तो इधर का खेत पूरा हरी भरी हरा भरा दिखता है, लेकिन धान रोपने के वक्त में आदमी के आंखों से आंसू टपकता है, पानी की किल्लत हो जाता है। और अभी पानी तो झरझर करके जहाँ तहाँ से निकल रहा है, फूट फूट के निकल रहा है पानी का, अभी तो पूरा ये हो गया जो कि पानी को खेत से बहाना पड़ रहा है दोस्तों। और अभी भी ये बदरीली मौसम जो है छोड़ ही नहीं रहा है। और अभी हाँ, तो दोस्तों अभी जितिया पर्व है कल परसों, तो ये अब ख़त्म होगा, तो शायद बारिश थोड़ी सी कम हो सकता है।
तो दोस्तों हम खेत में डूब गए हैं, घास खोज रहे हैं खेत में, हमको मिल नहीं रहा है, थोड़े थोड़े से मिल रहा है, उसी को चुन रहे हैं। कोशिश करते हैं बढ़िया से धान निकालने का, धान के चारों तरफ उंगली घुमाना पड़ता है तब जाके घास पकड़ाता है कि ऐसे पकड़ा जाता है, पता नहीं चलता, इतना पानी भर गया है कि घास मेरे को दिखता ही नहीं है दोस्तों, इतना घास मिल गया है। जैसे तैसे धान निकेला से कोई फायदा नहीं है, आइडिया से निकालना पड़ेगा। आइडिया क्या है कि इस यार में दो जन सीरियल से खड़ा हो जाते हैं, एक खेत का यार है तो हम यहाँ से पकड़ते हैं, एक जन यहाँ पे, दूसरा जन यहाँ पे, सीधा एक बार चलो फिर वहाँ से सीधा रिटर्न लो एक बार, तो ऐसे में दिखेगा धान के निकाला हुआ अच्छा सफाया। तो दोस्तों अब धान निकालने हो गया, अब हम लोग वापस रिटर्न की ओर चलते हैं। तो हंसू को छाता पकड़ो, छाता पकड़ो और फिर हम हंसू पकड़ लेते हैं। तो फिर दोस्तों इतना सारा घास हम लोग निकाले हुए हैं, ये खुद से पता चल रहा है जितनी और पानी गंदा दिख रहा है। दोस्तों अभी हम लोग खेत के नीचे और उतर रहे हैं, इसलिए कहे कि धान में बाकी लग गया है, तो देखते हैं सिनवार का झाड़ तोड़े हुए हैं और उसी से अभी धान में होकाई करेंगे, होकेंगे धान। कोशिश बच गए तो फिर देखिए दोस्तों धान किस तरह से होका जाता है, इस तरह से सारा जो कीड़ा आदि बाकी होगा तो वो जो है सो गिर जाएगा और फिर आगे का धान जो है सो ठीक से हो। दोस्तों हम भी होगने का प्रयास करते हैं, आता नहीं है पर कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से धान जो वाइट वाइट हो गया है, तो धान जो है सो खराब हो गया है कीड़ा के वजह से। तो फिर ये देखो दोस्तों इस प्रकार से हम होकते हैं, बाकी लोग किस प्रकार से होकता है वो हम नहीं पता, तो फिर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे धान होकाई हो रहा है। तो फिर हम जल्दी जल्दी से धान को होक लेते हैं और फिर कर भी था। तो दोस्तों बकरी के लिए हम अभी घास कटिंग करवाते हैं यहाँ पे, क्योंकि चार दिन से मेरा बकरी जो भूखा है, बारिश की वजह से उसको चराने के लिए कहीं ले नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरे को लगा कि चलो धान घास भी कटवा लेते हैं। इसे दो फायदा होगा, पहला तो यार जो है सो क्लियर हो जाएगा क्योंकि घास से पूरा यार भर गया है, तो थोड़ा सा कटिंग हो जाए। तो इतना सारा घास कट गया बकरी के लिए, अब बकरी भी खुश हो जाएगा घर जाने के बाद, कहेगा वाह मेरा खाना है। ये देखिए दोस्तों इतना सारा घास कट गया, अब चलते हैं घर, अपना अपना घर चलते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों कितना अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, क्योंकि बारिश अभी आया नहीं है, लेकिन बारिश का मौसम था, आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। और हमारा कुआं दोस्तों पूरा पानी से भर गया है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा पास में एक पपीता का पेड़ भी है।